नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल और मैं हूं काजल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने आज सदन की कार्यवाही के दौरान कर्नाटक सीमा विवाद पर गंभीर चर्चा की। अशोक चौहान ने न सिर्फ कर्नाटक के मुख्यमंत्री के कथित फेक ट्विटर हैंडल पर सवालिया निशान लगाए, बल्कि केंद्र व महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस मामले में महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। कर्नाटक बॉर्डर इशू पे जो मामले रोज सामने आ रहे हैं, इसके बारे में दोनों राज्यों को सबूरी से लेने के बारे में केंद्र में बैठक हुई, केंद्र सरकार के सामने चर्चा हुई और मैटर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बारे में वहां दोनों सरकारों को इस बात को बड़े सामंजस्य के साथ में पेश आने के लिए कहा गया है। और दूसरी तरफ ट्विटर हैंडल के जरिए कर्नाटक सरकार जो अपनी भूमिका रख रही है, वो आज कहा जाता है कि वो ट्विटर हैंडल फेक है। आपने देखा और कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री श्री बोम्मई, इन्होंने जो भी बयान अभी तक किए हैं वो महाराष्ट्र के खिलाफ किए हैं। महाराष्ट्र के जो गांव है वो हमारे यहाँ आने चाहिए, ऐसे अलग अलग विधाने कर इन्होंने लोगों का दिशा भूल करके कहा। आज कहते हैं कि ट्विटर हैंडल अधिकृत नहीं है, तो अधिकृत नहीं है तो इसके स्क्रीनशॉट आज भी उपलब्ध है। आप देखेंगे कि स्क्रीनशॉट में वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं वो उसके ऊपर है। इतना ही नहीं है, अगर कर्नाटक सरकार ने वहां के जो सरपंच है ग्राम पंचायत के, उनका जो मानदंड है वो बढ़ाने के बारे में फैसला इसी पे बताया हुआ है। तो सवाल ये है, जब ट्विटर हैंडल फेक है, 2015 से ये ट्विटर हैंडल ऑपरेटिव है, आज तक है, तो फेक कैसे हो सकता है? अगर फेक है तो डिलीट क्यों नहीं किया गया ये सब चीजें और कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सामने आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को गुमराह करने की बात है और ये गलत बात है।